कूड़े हिंसा को लेकर मुंबई में बेस्ट की बसों को रोकने की कोशिश, पुलिस ने उपद्रवियों को किया तितर बितर, शहर भर में कड़े बंदोबस्त। पुणे हिंसा के विरोध में आज दलित संगठनों ने किया है महाराष्ट्र बंद का ऐलान, कांग्रेस और एनसीपी का बंद से दूर रहने का फैसला। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र बंद को दिया समर्थन, आरएसएस ने एकता और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बंद की वजह से मुंबई के डिब्बा वाले आज डिलीवर नहीं करेंगे टिफिन, ग्राहकों से खुद अपने डिब्बे लेकर किया। बंद की वजह से आज मुंबई में नहीं चलेंगी 40,000 स्कूल बसें, वहीं सभी एयरलाइंस ने किए टिकट कैंसिल चार्ज माफ करने का ऐलान। पुणे पुलिस को मिली गुजराती विधायक जिग्नेश मेवाणी और छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ शिकायत, लोगों के सामने भड़कीला भाषण देने का आरोप। दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने किया संभाजी भिड़े, अनिता सावरे और मिलिंद एक बोते पर केस दर्ज, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र की स्थिति जानने के लिए किया सीएम फडणवीस को फोन, सीएम ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार ने दिए पुणे की हिंसा की जांच के आदेश, बोले साजिश के तहत भड़का बवाल। 29 दिसंबर को पुणे के बाड़े बुड्रुक गांव में गणेश महार की समाधि को भी किया गया था क्षतिग्रस्त, पुलिस ने तनाव कराया था शांत। समाधि को नुकसान पहुंचने के बाद 1 जनवरी को लोगों ने किया था प्रदर्शन, अब तक नहीं हुई प्रदर्शनकारियों की पहचान। दलितों के जश्न के वक्त से ही हिंदूवादी संगठनों ने भी निकाला था मार्च, दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर हुई झड़प, पुलिस पहचान में जुटी। दलित युवक की मौत के बाद जला पुणे और आसपास का इलाका, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी, 40 गाड़ियां खाक। दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने हिंदू संगठनों पर लगाया पुणे हिंसा का आरोप, बोले सरकार को दिए कार्रवाई के लिए नाम। पुणे हिंसा को लेकर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, कहा अगर मैं नेतृत्व करता तो हिंदू संगठनों के 500 कार्यकर्ताओं की होती मौत। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा 3 तलाक बिल, आज ही चर्चा के आसार। 3 तलाक बिल में जेल के प्रावधानों को लेकर विपक्ष नाराज, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है विधेयक। 3 तलाक बिल को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सरकार को दी नसीहत, बोले महिलाओं के बाद पुरुषों पर भी दे ध्यान। सीपीएम ने ट्रिपल तलाक का किया विरोध, लेकिन 3 साल की सजा पर नजरें टेढ़ी, बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग। 3 तलाक बिल के समर्थन में दिखे समाजसेवी अन्ना हजारे, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होना चाहिए सम्मान। आज चारा घोटाले में होगा लालू के खिलाफ सजा का ऐलान, रांची की सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को माना है गुनहगार। देवघर कोषाघार से 90 लाख की निकासी के मामले में होगी सजा, 23 दिसंबर को सीबीआई अदालत ने दिया था दोषी करार। लालू को 3 साल की सजा होने पर आज ही मिल सकती है जमानत, ज्यादा सजा मिलने पर जाना होगा हाईकोर्ट। कम सजा के लिए लालू के वकील कर रहे हैं रहम की अपील, वहीं बिहार के डिप्टी सीएम ने मांगा कठोर दंड। लालू समेत 16 दोषियों की सजा का भी होगा ऐलान, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत सुनाएगी सजा। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आज होगा मंथन, केजरीवाल ने घर पर बुलाई पीएससी की बैठक। पीएससी की बैठक में तय होगा कुमार विश्वास का भविष्य, राज्यसभा की उम्मीदवारी पाने में नाकाम रहने के बाद हो सकता है हंगामा। राज्यसभा की उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे हैं संजय सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन गुप्ता और बिजनेसमैन सुशील गुप्ता का भी नाम। पार्टी ने राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए 18 लोगों से साधा था संपर्क, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से भी हुई थी बात। 16 जनवरी को होना है दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर मतदान, आपका तीनों सीटें जीतना तय। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार हरदीप पुरी आज भरेंगे नामांकन, लखनऊ में आज सुबह 11 से 12 बजे के बीच जमा करेंगे कागज। नितिन पटेल के बाद गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी बने सीएम रूपाणी के लिए सिरदर्द, मत्स्य उद्योग मंत्रालय मिलने से नाराजगी। मेघालय में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के मौजूदा 4 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने नए साल पर सरकार को घेरा, ट्विटर पर लिखा दलितों किसानों और सैनिकों के खून से हुई 2018 की शुरुआत, ऐसे न्यू ईयर में कैसे बनेगा न्यू इंडिया। योगी सरकार ने मदरसों को ईद और मुहर्रम के लिए मिलने वाली 10 छुट्टियां घटाकर की 4, 7 नई छुट्टियों को मदरसे के कैलेंडर से जोड़ा। आर्थिक मदद रोकने के अमेरिकी फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ को दिखा फैसले के पीछे भारत का हाथ।
यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने लगाया पाकिस्तान पर डबल गेम का आरोप, अमेरिकी मदद लेकर भी आतंकियों को शरण देने का इल्जाम। ट्रंप के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात अमेरिकी राजदूत को किया तलब, मांगी सफाई। अमेरिकी फैसले के बाद सख्ते में पाकिस्तानी हुकूमत, पीएम अब्बासी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के साथ की इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिकी झटके के बावजूद सुधरने को राजी नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब के कानून मंत्री ने किया हाफिज सईद का बेशर्मी भरा बचाव। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पेड़ से लटके मिली शख्स की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। दिल्ली के विनोद नगर में महिला ने 1.5 साल की बेटी के साथ फांसी लगाकर दी जान, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के भजनपुरा में चोरों ने बेकरी का ताला तोड़कर की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के मुकराबाद चौक पर पुलिस ने अवैध हथियारों समेत धरा शख्स, मध्य प्रदेश से लाता था हथियार। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका आरोपी का घर, आग में जलकर 2 युवकों की मौत। यूपी के शामली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश पर छापा, मुठभेड़ में ढेर बदमाश, 2 पुलिसकर्मी घायल। एक रात में 6 हत्याओं से दहला हरियाणा का पलवल, गिरफ्त में आरोपी साइको किलर, लोहे की छड़ से वार करके मर्डर। सेरा का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है आरोपी साइको किलर, फिलहाल हिसार के कृषि विभाग हिसार में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर तैनात। गिरफ्तारी के बाद ब्रेन हेमरेज का शिकार हुआ साइको किलर आरोपी, इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट। एक अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी साइको किलर नरेश, रात में सो रही महिला के सिर पर वार कर ली थी जान, कुछ देर बाथरूम में छिपा रहा। पंचकुला हिंसा में पूर्व कांग्रेस विधायक हरमिंदर सिंह जसी का एसआईटी शिकंजा, राम रहीम के समधी को पूछताछ के लिए समन। दिल्ली के रोहिणी में नगर निगम ने 3 दर्जन स्पा सेंटर्स को सील करने के दिए आदेश, सिटी सेंटर मॉल के स्पा पर पुलिस का छापा। विशाखापट्टनम के वाइजैग में नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ प्राइवेट बस में रेप, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। गोंडा में रेप आरोपी का शव बिजली टावर पर लटका मिलने से सनसनी, सुसाइड नोट में लिखी खुद के निर्दोष होने की बात। बिहार के कटिहार में 31 दिसंबर की रात मेयर के भाई की निर्मम हत्या, चश्मदीद बेटी ने 3 लोगों पर लगाया आरोप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के करीब ऑटो को टक्कर मारकर भागने वाला वकील गिरफ्तार, हादसे में हुई थी ऑटो चालक की मौत। दिल्ली के शाहदरा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को रौंदा, 2 युवकों की मौत। दिल्ली के करीब नोएडा में मासूम पर खूंखार कुत्तों का जानलेवा हमला, एक शख्स ने मुश्किल से बचाया, अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर में तेज रफ्तार कार ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारकर पलटी, मौका देखकर फरार हुआ ड्राइवर, ई रिक्शा चालक की मौत। चीनी बॉर्डर पर तैनात मेजर प्रसाद गणेश महाडिक का शव घर पहुंचा, अफसरों के लिए बनाए गए तंबू में आग लगने से हुई मौत। मुजफ्फरनगर में विवादित वीडियो हुआ वायरल, एक संगठन के लोग देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ते दिखने से हंगामा। दिल्ली के टैगोर गार्डन में लोग बदबूदार पानी से परेशान, महिलाओं ने जल बोर्ड के खिलाफ लगाए नारे। एर्नाकुलम में ऑटो और टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, ऑनलाइन टैक्सीज को बढ़ावा देने पर रेलवे का विरोध। पठानकोट में शहीद सैनिकों के परिवारों ने स्कूली बच्चों के साथ निकाला कैंडल मार्च, एयरबेस में शहीद हुए जवानों को किया याद। मुजफ्फरनगर में 3 तलाक बिल का विरोध, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का ट्रायल शुरू, कामयाब होने के बाद होगा दुनिया का 4th सबसे बड़ा मेट्रो कॉरिडोर। कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में 14 दिन तक योग अभ्यास करेंगे बीएसएफ के 100 जवान और अफसर, तनाव दूर करने के लिए करेंगे ध्यान। देवबन के दारुल उलूम से जारी हुआ गीता पाठ करने वाली आलिया के खिलाफ फतवा, तिलक महोत्सव में यूपी के गवर्नर और सीएम के सामने दिया था परफॉर्मेंस। मुंबई हादसे से सबक लेकर साउथ एमसीडी ने 21 लोगों की बनाई टीम, रेस्टोरेंट और पब्स में निरीक्षण कर रही है टीम। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की पहली लिस्ट जारी की, कई किसानों का नाम न होने पर असंतोष। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी, रात को वाहन चलाने में लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। दिल्ली और करीबी इलाकों में कोहरे के साथ ठंड का भी सितम, सूरज के दर्शन न होने पर गिरा पारा। राजस्थान के फतेहपुर में 0.8 डिग्री पहुंचा पारा, सबसे ठंडा रहा फतेहपुर शेखावटी। केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी, एक बार फिर से ठप पड़ा निर्माण कार्य। परम पावन दलाई लामा पहुंचे बोधगया, मंदिर के गर्भगृह में करीब 1 घंटे तक किया पूजा पाठ।
कानपुर में खुला अनोखा अस्थि कलश बैंक, मृत व्यक्तियों की अस्थियां एक महीने तक रख सकते हैं सुरक्षित। उत्तराखंड में गरीबों के लिए अनूठी पहल, मेडिसिन बैंक की शुरुआत। महिला सुरक्षा की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम, 26 जनवरी से यूपी में शुरू होगा मोबाइल पर पैनिक बटन का पायलट प्रोजेक्ट। वाराणसी में सरकार के खिलाफ नाविकों का हल्ला बोल, निजी कंपनी से संचालन के फैसले पर कामकाज ठप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर मनाया गया अनूठा जन्मदिन, कुलियों ने 84 साल पुराने इंजन को कहा हैप्पी बर्थडे। आईसीसी ने मेलबर्न की पिच को दिया घटिया करार, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच ड्रॉ हुआ था बॉक्सिंग डे टेस्ट। पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने संभाली बीसीसीआई के जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी, सीईओ राहुल जौहरी की मदद करेंगे करीम। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के गेंदबाजी कोच बने आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन बने बैटिंग कोच। विनोद कांबली ने सचिन का किया शुक्रिया, कहा पुराने साथी की सलाह पर शुरू किया कोचिंग देने का काम। एसएच प्रणय ने किया साल का शानदार आगाज, लखनऊ में प्रीमियर बैडमिंटन लीग में वर्ल्ड नंबर 3 किदंबी श्रीकांत को हराया। आलिया रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी की फोटो हुई वायरल, अयान की फिल्म में काम कर रहे हैं आलिया और रणबीर। नए साल की छुट्टियां मनाने केपटाउन पहुंचे अक्षय कुमार, विराट और अनुष्का से भी की मुलाकात। अभिनेता निखिल द्विवेदी के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में पहुंचे शाहरुख और अभिषेक बच्चन। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल, कुछ महीने पहले ट्विटर से विदाई लेकर वापसी। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जीरो का फर्स्ट लुक लॉन्च, अकेले शाहरुख आ रहे हैं नजर। पाकिस्तान के बाद अब फिलिस्तीन पर अमेरिका की टेढ़ी नजर, ट्रंप ने ट्वीट में साधा फिलिस्तीन पर निशाना। पाकिस्तान में सड़कों पर उतरा हाफिज सईद और उसका संगठन, पाकिस्तानी सरकार की सख्ती का दिया जवाब। कोस्टारिका में प्लेन क्रैश होने से 12 की मौत, नागरिक उड्डयन अथॉरिटी ने शुरू की जांच। पेरू की राजधानी लीमा से 45 किलोमीटर दूर बस हादसे में 36 लोगों की मौत, ट्रक से टकराकर खाई में गिरी बस। साल 2018 के शुरुआती दिन की ठंड से कांपा अमेरिका, हफ्ते भर में बर्फबारी से इलाका ढक जाने का अनुमान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।